नेक्स्ट प्रोजेक्ट नंबर 28। The product manufactured by a light engineering factory undergoes two operations. The following data are available relating to expenses incurred on production during November 2003. Machine and finishing. देखिए दो प्रोसेस है, एक मशीन और एक फिनिशिंग। यूनिट्स एज इनपुट, मशीन 90,000, फिनिशिंग 60,000। एक्सपेंसेस इनकर्ड इन प्रोसेस, मटेरियल 2,70,000, नील लेबर 1,28,000 एंड 45,000, ओवरहेड 64,000, 1,35,000। एट द एंड ऑफ द मंथ देर वेर 30,000 यूनिट्स लिंग इनकम्प्लीट इन मशीन ऑपरेशन, वाइल द फुल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल्स हैड बीन कंज्यूम फॉर द टोटल प्रोडक्शन, द एक्सपेंडिचर ऑन लेबर एंड ओवरहेड्स वॉज एस्टिमेटेड टू बी 66 2/3 इन रिस्पेक्ट ऑफ द इनकम्प्लीट प्रोडक्ट्स। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर डिटेल्ड कॉस्ट स्टेटमेंट शोइंग द फाइनल कॉस्ट पर यूनिट, अज्यूमिंग कंप्लीट यूनिट्स ऑफ मशीनिंग ऑपरेशंस आर ट्रांसफर्ड टू फिनिशिंग ऑपरेशन, फिनिशिंग ऑपरेशन हैज कंप्लीटेड ऑल द यूनिट्स रिसीव्ड फ्रॉम अर्लियर ऑपरेशन ड्यूरिंग November 2003, लिविंग नो वर्क इन प्रोग्रेस एट द एंड ऑफ मंथ। देखिए क्या दिया, अब देखिए मशीन एंड फिनिशिंग दो ऑपरेशन है। यूनिट्स एज इनपुट कितना है मशीन का 90,000, फिनिशिंग का कितना है 60,000। इसका मतलब यह है कि मशीन का जो भी आउटपुट है, फिनिशिंग का जो भी इनपुट है, फिनिशिंग का जो इनपुट है 60,000, वो कहां से आया आपको, मशीनिंग से आया हुआ है। नीचे का स्टेटमेंट भी देखो सपोर्टिंग है उसके लिए। एट द एंड ऑफ द मंथ देर वर 30,000 यूनिट्स लिंग इनकम्प्लीट इन मशीनिंग ऑपरेशन, मतलब मशीनिंग ऑपरेशन में इनपुट था 90,000, उसमें से 30,000 इन प्रोसेस है, मतलब कितने कंप्लीट है 60,000। और अब जो सेकेंड लास्ट देने प्रॉब्लम की, उसमें देखो फिनिशिंग ऑपरेशंस हैज कंप्लीटेड ऑल द यूनिट्स रिसीव्ड फ्रॉम अर्लियर ऑपरेशन, मतलब फिनिशिंग ऑपरेशन को कहां से यूनिट्स आते हैं, मशीन से आते हैं, और मशीन के कंप्लीटेड कितने हैं 60,000 ही है ना, और इवन फिनिशिंग के भी आपको इनपुट कितना दिया है 60,000 ही है। नाउ जस्ट रीड द लाइन आफ्टर दैट फर्स्ट स्टेटमेंट। At the end of the month, there were 30,000 units lying incomplete in machining operation, while the full quantity of material had been consumed for the total production, the expenditure on labor and overhead was estimated to be 66 2/3 in respect of incomplete product. So, जो 30,000 WIP है machine में, वो material wise 100% complete है, लेकिन labor overhead के लिए it is 66 2/3, मतलब 2/3, got it? और ये जो 30,000 आगे गए उसके लिए सेकेंड लास्ट नहीं, देखो एक बार फिर से, फिनिशिंग ऑपरेशन हैज कंप्लीटेड ऑल द यूनिट्स रिसीव्ड फ्रॉम अर्लियर ऑपरेशन ड्यूरिंग November 2003, लिविंग नो वर्किंग प्रोग्रेस एट द एंड ऑफ द मंथ। इसका मतलब ये जो 60,000 यूनिट जो प्रोसेस टू में गए, सॉरी फिनिशिंग में गए, वहां पर वो 100% कंप्लीट हो गए आगे, देयर इज नो क्लोजिंग WIP। इसका मतलब बहुत सिंपल है, फिनिशिंग प्रोसेस के लिए सिंपल प्रोसेस अकाउंट है, वहां पर इनकम्प्लीट यूनिट्स, WIP, डिग्री ऑफ कंप्लीशन कुछ भी नहीं है। सिर्फ जो पहली प्रोसेस आपकी मशीनिंग की, इन दैट यू विल हैव टू प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट, एलिमेंट वाइज कॉस्ट, वैल्यूएशन रिपोर्ट एंड देन योर मशीनिंग अकाउंट। गॉट इट? चलो करो फटाफट। नंबर 28, मशीनिंग स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स। अब इस बार मैं क्वांटिटी अकाउंट नहीं बनाऊंगा, क्योंकि 90 में से 60 ट्रांसफर एंड 30 क्लोजिंग में, सो इट्स वेरी क्लियर, इसके लिए क्वांटिटी अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है आपको।
पार्टिकुलर्स, क्वांटिटी, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स। परसेंटेज, क्वांटिटी। Number one, it is transfer to finishing $60,000. Hundred percent. And number two, closing WIP, 30,000, material wise 100%, 30,000, labor overhead के लिए 66 2/3, मतलब 66.67, that comes to 20,000. So the 60 plus 30, 90. 60 plus 30, 90, and 60 plus 20, 80,000. Then, statement of element-wise cost. Material, labor, overheads. Cost incurred. Opening कुछ है ही नहीं यहाँ पर. Material cost incurred. 2,70,000. 1,28,000. 64,000. Number two. Number of equivalent units, material 90,000, labor overhead 80,000. Therefore, cost per unit 1/2, 3, or this is it 1.6? So total comes to 5.4. Now here statement of valuation. In that, transfer to finishing. Transfer to finishing mein 60,000 units into 5.40. 3,24,000, is it? 3,24,000. And number two, closing WIP, closing WIP, in that material it's 30,000 into 3, 90,000,
लेबर 20,000 इंटू 1.6 32,000 एंड ओवरहेड्स 20,000 इंटू 0.8 16,000 1,38,000 Now you please prepare process account. 4 lakh हो गया, very good. Fast हो गए सब बच्चे. 4,62,000 debit में आएगा आपका. 2 material 2,70,000, 2 wages 1,28,000 and 2 overheads 64,000 by finishing process 3,24,000 and by balance carried down 1,38,000. So 2,324 and 138, that is 4,62,000. Yes, perfectly all right. 4,62,000. अब जब आप फिनिशिंग की बात करेंगे, so that as far as this finishing is concerned, finishing में तो opening तो है ही नहीं कुछ भी, even closing में भी कुछ भी नहीं है, ना कोई normal loss है ना कोई abnormal loss है, nothing is there. So simply you have to prepare only finishing account, ठीक है? So बनाएंगे आप directly finishing process account, or you can say simply finishing account. So here, 2 machining account, 60,000 units आए, 3,24,000. फिर जो additional material labor overhead लगा, तो expenses incurred in process, material तो कुछ लगा ही नहीं यहाँ पर. Labor is 45,000, so I can say 2. Wages 45,000 and overheads 1,35,000. 1,35,000. और सबके सब यूनिट्स आपके फिनिश्ड हो गए और दिया है. देखो सेकेंड लास्ट लाइन में फिनिशिंग ऑपरेशन हैज कंप्लीटेड ऑल द यूनिट्स रिसीव्ड फ्रॉम द अर्लियर ऑपरेशंस during November 2003, leaving no WIP at the end of the month. So these all are complete. So simply buy finished goods account 60,000. Oh, pura ka pura jayega this 5,04,000. Is it? Bas aise process account exam mein aane chahiye. 10-20 mark ko to yehi aayega is bar. क्लियर सबको? अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर समझो इस प्रॉब्लम में आपको ऐसा दिया है, इन दिस फिनिशिंग प्रोसेस फिनिशिंग प्रोसेस के लिए समझो ऐसा दिया है प्रॉब्लम में, दैट ओनली 50,000 यूनिट्स
ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स और 50,000 यूनिट्स कंप्लीटेड एंड रिमेनिंग यूनिट्स 80% कंप्लीटेड फॉर लेबर एंड ओवरहेड्स। तो इस केस में हम लोग को क्या करना पड़ता, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स करते हैं और उसमें कॉलम क्या क्या आता, इस बार मटेरियल कॉस्ट कुछ भी नहीं दिया आपको, क्या क्या आएगा, क्या क्या मटेरियल, मटेरियल कॉस्ट कुछ भी नहीं है, यस स्टार्टिंग वाला मटेरियल वन करके तो आएगा ना, क्योंकि इस डिपार्टमेंट का अपना मटेरियल कुछ भी नहीं है, इसका अपना कुछ नहीं, लेकिन पिछला आया ना विरासत में आपको मशीनिंग वाला, तो वो तो 100% कंप्लीट है। सो इन दैट केस अब मैं अपना ही काम बढ़ा रहा हूं, बाकी कुछ नहीं है, मटेरियल लेबर एंड ओवरहेड, सो परसेंटेज क्वांटिटी परसेंटेज। अब बस बताएं मुझको यहां हम क्या लिखेंगे, फिनिश गुड्स कितना 50,000, कितने कंप्लीट हमारे 50,000, सो मटेरियल वाइज दिस विल बी 50,000 100% एंड लेबर ओवरहेड के लिए भी 100% एंड अगर क्लोजिंग WIP है तो दिस 10,000 मटेरियल वाइज कितना आएगा 100%। इस मटेरियल का, इस डिपार्टमेंट का मटेरियल कुछ भी ना रहे, लेकिन जो प्रीवियस प्रोसेस से आ गया उसके लिए तो 100% ही है, सो दैट इज 100% आएगा 10,000 एंड लेबर ओवरहेड के लिए 8%, सो दिस टोटल वुड हैव बीन 60 एंड दिस इज 58। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है, ओके चलो लिखना है आपको, आई मीन समझ में आ गया ना, अगर ऐसा अगर हुआ तो फिर आपको ऐसा करना पड़ेगा, क्लियर। चलिए कम टू द नेक्स्ट नंबर 29।